नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, ये बताइए कि आपने होली की तैयारी तो अब कर ली होगी अब तक, मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अभी से दिमाग में कुछ और प्लानिंग भी चल रही कि किसको कौन कौन सा रंग लगाना है। इस बार वैसे जमकर होली होने वाली है, क्योंकि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वजह से होली हो नहीं सकी करीने से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, होली की पहचान रंग गुलाल से है, लेकिन मेरा फोकस खाने पीने पर वैसे ज़्यादा होता है। मैं वो ऐसे मतलब पिचकारी लेके भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन होली के पकवान के बारे में सोचकर मेरे मुंह में पानी अभी से आने लग गया है। और तस्वीरें इसलिए चल भी रही, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप एक बात भूल रहे हैं, होली से पहले आज होलिका दहन है। सेहत और मस्ती दोनों के लिहाज से इसकी भी अपनी एक अहमियत है। बिल्कुल ठीक बात है। आयुर्वेद के मुताबिक होलिका दहन से सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। सर्दी में ठंड से शरीर के अंदर काफ़ी कफ जमा हो जाता है, जिससे साइनस, जुकाम, बुखार, अस्थमा, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जो शरीर जिसमें एक तरह से जकड़ा हुआ रहता है। और जब होलिका दहन के दौरान परिक्रमा करते हैं, होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जल्दी होलिका के 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर से बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाते हैं। इस दौरान धुएं को इनहेल करने से साइनस में भी आराम मिलता है। और ये बात साइंटिफिक स्टडी में भी साफ हो चुकी है, लेकिन जरूरी है कि आप होलिका दहन में सूखी लकड़ी के साथ कपूर, गिलोय, तुलसी, नीम, लुबान, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि त्यौहार की रस्म के साथ साथ आपकी तबीयत भी ठीक रहे। वैसे होलिका दहन को लेकर पौराणिक कहानी भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रह्लाद की ये कहानी है। पिता इंसानियत का दुश्मन और प्रह्लाद उतना ही पॉजिटिव सोच वाला, जो निडर तो था ही, सच्चाई की राह पर चलने वाला भी था। और आपको बता दें, प्रह्लाद जैसा बनना आज भी मुमकिन है, और वैसे भी कहते हैं नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। जो शारीरिक तौर पर मेंटली फिट हो और मानसिक तौर पर भी स्ट्रांग हो। तो देर किस बात की है, योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं हर घर का बच्चा प्रह्लाद जैसा कैसे हो सकता है, कैसे बनेगा, और हर परिवार सेहतमंद कैसे बनेगा। ये सब बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और होलिका दहन हो रही है क्या? बहुत बहुत अभिनंदन जी। सांकेतिक तौर सांकेतिक, और हम यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ होली मना रहे हैं और होली के गीत भी गा रहे हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सक्षम। सक्षम, और सक्षम की एक तो ये हर्बल वाला रंग है, आप जैसा ही बहुत प्यारा प्यारा। और ये बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने अपनी शुगर को भी ठीक कर लिया है, और इनको तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं। और साथ में हम ये जो आपने जैसे बताया, ये आहूतियां, ये अलग अलग प्रकार की औषधियों की, कपूर की, लोबान की, गुग्गल की, ये आहूतियां दे रहे हैं हम यहाँ। और इसमें ये गुग्गल है, और ये सारी सामग्रियां हैं, ये सारी सामग्री नीम, गिलोय और कपूर, और ये सारी हमने अलग अलग प्रकार की सामग्रियां यहाँ पर रखी हुई हैं। इसका भी तात्पर्य यही है। ये लो जी, और इसमें इनमें ये फसलों को भून करके खाते हैं। अब ये वसंत ऋतु में आने वाली फाल्गुनी नवसस्येष्टि है। अब इसमें जब इसको फसलों को भून करके खाते हैं, तो एक तो फसल को का भोग लग जाता है भगवान को, और ये होले भी अलग अलग प्रकार से, देखो बच्चे ने भी भूल लो, तुम भी भूल लो। तो ये आज की होली है, और इन बच्चों ने बीमारियों से भी मुक्ति पा ली है। तो सबको आशीर्वाद। चलो बच्चों, टेसू के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, और इससे आज बच्चों के साथ हम ये त्योहार मनाएंगे, और सात्विक होली, औषधियों वाली होली, हर्बल होली। और यौगिक जोगिंग, चलो ए सब बच्चों, रोज करना यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, और ऐसे सात्विक होली मना लिया, हर्बल होली, हवन वाली होली। ये हवन का ही प्रतीक है, और पापों का भस्म होना है इसमें। पाप है, रोग है, दोष है, दुर्बलताएं हैं, भीतर की कमजोरियां हैं, उनसे हमें मुक्त होना है।
और अब देखो कल तो यहीं पर इसी ग्राउंड में चारों तरफ कितना सुंदर ग्राउंड है। अब अभी तक तो ठंड थी ना, अब वो भी बाहर हो गई है। चलो करो बेटा यहाँ ऐसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए होलिका दहन तो रात में होगा, लेकिन सांकेतिक तौर पर आपने उसे दिखाया भी और उसके महत्व को भी समझाया। सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इसका आयुर्वेदिक महत्व भी आपने बताया। साथ ही साथ हर बच्चा स्वामी जी प्रहलाद जैसा मजबूत बने, बच्चे आज आपके साथ हैं तो इसके लिए यौगिक उपाय की शुरुआत आप कर चुके हैं। कोरोना कम होने से अब स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, हालात अब पूरी तरह से नॉर्मल हैं, तो अब बच्चे खुल करके योगाभ्यास भी कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि होली के गीतों के साथ हम यहाँ आज से होली कल से दुलंडी सबको ऐसे ही फूलों की होली, हर्बल होली और योग वाली होली, योग के रंग में, अध्यात्म के रंग में, भक्ति के रंग में, योग शक्ति राष्ट्रभक्ति के रंग में, प्रभु भक्ति के रंग में, मानवता के रंग में रंगेंगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे, कितने अच्छे बच्चे हैं सब हमारे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो ना कर पाए वो अनुलोम विलोम करें, जैसे हमारे इधर ही अभिभावक बैठे हैं, इनके साथ ही माता पिता हैं हमारे, और इधर बच्चे हैं, सब कर रहे हैं अपने अपने ढंग में, अपने अपने रंग में। योगी जोगी के बारा अभ्यास बहुत दिन हो गए थे, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बार सब बच्चों के लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छे बच्चे। चलो योगी जोगी सूर्य नमस्कार, ये डेली करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।